गुजरात में भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का सामने आने लगा चेहरा, करीब दर्जन भर विधायकों को पहुंचा शपथ ग्रहण के लिए फोन। किरीट सिंह, अरविंद रैयाणा, हर्ष संघवी समेत कई विधायकों ने की शपथ ग्रहण की तैयारी। महिला विधायकों में मनीषा वकील को भी पहुंचा फोन। दोपहर 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम, 27 विधायकों के शपथ लेने की खबरें। शपथ ग्रहण को लेकर कल दिन भर जारी रहा सस्पेंस, विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच उतारे गए कार्यक्रम के बैनर। यूपी के सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र मंत्रिमंडल में किसी पुराने चेहरे को नहीं मिलेगी जगह, जारी है नाराज दिग्गजों को मनाने की कोशिश। महाराष्ट्र के अमरावती में नाव हादसे का वीडियो सामने आया, डूबने से चंद सेकंड पहले लहरों से जूझती दिखी नाव। दो दिन पहले झरने के नजदीक तेज बहाव में बिगड़ा था नाव का संतुलन, नाव सवार सभी लोग डूबे, 8 के शव बरामद। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज के साथ फुहार। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार, मध्य प्रदेश से आगे बढ़े कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बदला मौसम। पहाड़ों पर हो रही बारिश से दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जल स्तर, दोपहर तक खतरे का स्तर 205.38 मीटर पार होने के आसार। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 लड़कियों को बदमाशों ने घेरा, 2 लड़कियां भागने में कामयाब, 1 लड़की अगवा। अपहरण की सनसनीखेज वारदात से इलाके में कोहराम, लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। अगवा लड़की की तलाश उतरी पुलिस, हाईवे पर भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी। सोनभद्र में स्कूल शिक्षिका ने मचाया हंगामा, शिक्षा समिति के सदस्य ने देरी से स्कूल आने की वजह पूछी तो भड़की टीचर। दिल्ली के मायापुरी में कार का बंपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग, दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के टुंडला रेलवे स्टेशन के सिग्नल रूम में सुबह के वक्त भड़की आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। सिग्नल रूम में रखी गई थी भारी तादाद में पुरानी केबल, आग पकड़ने से चारों तरफ फैला धुआं। कच्छ में नशे की बहुत बड़ी खेप बरामद, डीआरआई के छापे में करीब 2000 करोड़ की कीमत का नशीला पदार्थ जब्त। कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई नशे की भारी खेप, अफगानिस्तान से भेजे जाने का शक। 4 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाने से पंजाब में हड़कंप, चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर रोक। मंगलवार को यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, ओसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। आतंकियों के दुबई मॉड्यूल का पंजाब से कनेक्शन खंगाल रही है एनआईए, दोनों जगहों पर मिले विस्फोटकों में मिली समानता से बड़ा शक। दुबई में आईएसआई से सीधे संपर्क में है ओसामा का पिता, ओसामा से पूछताछ और मोबाइल से मिले चैट से हुआ खुलासा। ओसामा के पिता के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच तेज, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी। ओसामा का चाचा अमदूर रहमान भी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा, गिरफ्तारी के लिए जारी होगा लुकआउट नोटिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों को एक और शख्स की कल तलाश, युवक ने बंगाली बोलने वाले 15 लोगों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों को छोड़ा, जांच में सबूत नहीं मिलने पर रिहा किया गया।